फिल्म अभिनेता सैफ अली खान हाल ही में अपनी आगामी फिल्म आदि पुरुष को लेकर दिए गए बयान के चलते विवादों में आ गए थे। उन्होंने रावण को मानवीय बताया था। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। फिल्म निर्देशक ओम राउत और अभिनेता सैफ अली खान के खिलाफ भावनाएं अहद करने का केस दर्ज किया गया है। दरअसल कुछ सप्ताह पहले सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में आगामी फिल्म आदि पुरुष में रावण को मानवीय दर्शाने और सीता के अपहरण को जस्टिफाई करने की बात कही। इस चीज को लेकर वो परेशानियों में घिर गए थे। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। इसके चलते सैफ अली खान ने अपना बयान वापस ले लिया था और क्षमा भी मांगी। अब उत्तर प्रदेश के एक वकील ने सैफ अली खान और निर्देशक ओम राउत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। जौनपुर के एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट ने 23 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई रखी है। पेटिशन में हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा है कि उनका सनातन धर्म में बहुत विश्वास है और सैफ अली खान ने सनातन धर्म को नकारात्मक दर्शाने का प्रयास किया है। इसके चलते उन्होंने ये मामला कोर्ट में दाखिल किया है। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, राक्षस किंग रावण की भूमिका निभाना दिलचस्प है, हम उन्हें मानवीय बनाने का प्रयास करेंगे, साथ ही सीता के अपहरण को जस्टिफाई करने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण ने उनकी बहन सूप नखा की नाक काटी। सैफ अली खान इसके पहले ओम राउत के साथ फिल्म तानाजी में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने विलन की भूमिका निभाई थी। फिलहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। देखना ये होगा कि सैफ अली खान इस बार इस विवाद से कैसे निकलते हैं।